What's up guys, welcome back to a vlog with Jazzy. तो आज है रमज़ान का, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आज 15th डे है शायद, हाँ होपफुली 15th डे है. तो आज का काम ये है कि आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है फॉर माई बायोमेट्रिक एंड माई पिक्चर फॉर द एमिरेट्स आईडी. तो चलो वो करवाने चलते हैं, आ जाओ. मगर जाने से पहले मुझे बेकार फिल्म्स के लिए एक छोटी सी शूट करनी है, क्योंकि वो आज अपलोड होगी. तो यहाँ पे शूट कर लेते हैं, यहाँ पे कैमरा रख देते हैं एंड देन शूट करके निकलते हैं. तो ये कैमरा सेट हो गया, इसको ऑन करते हैं, खुल जा. चलो भाई, दो ही डायलॉग्स थे, हो गए हैं, अब अंदर चलते हैं, जूते पहनते हैं और निकलते हैं. चलो भाई, अब मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अहमद को, जो हमारा एडिटर है हार्दिक पांड्या, ताकि वो एडिट कर ले इसको. चलो भाई, बायोमेट्रिक का काम हो गया, विद इन 10 मिनट्स हुआ काम, अंदर गया, टोकन लिया, बुलाया मेरा नाम और टक डन फिनिश. तो अब ये करेंगे कि अब मेट्रो पकड़ते हैं, वापस चलते हैं. तो भाई सीन अभी ये है कि मैं हूँ बस स्टेशन पे, यहाँ से मुझे पकड़नी है 12 नंबर बस. 12 नंबर बस मुझे लेके जाएगी अल हुबैबा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगा और वो लेके जाऊंगा मैं अल जद्दाफ की तरफ, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ. तो अभी हो रहे हैं 4:30 और इस पे लिखा हुआ है 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हर 25 मिनट बाद बस आती है. तो बस आती होगी भाई. दुबई का बड़ा ये फिक्स सीन है कि हर बस स्टॉप या हर मेट्रो स्टेशन जहाँ भी आप जाओगे आपको अंदर एसी जरूर मिलेगा. अच्छा, ये यहाँ पर बता भी रहा है कि बस कितने बजे आएगी, कितने बजे डिपार्चर होगी. तो भाई हम लोग उतर चुके हैं अल हुबैबा बस स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग वॉक करके जाएंगे अल हुबैबा मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और घर जाएंगे. वो सामने मुझे दिख गया अल हुबैबा मेट्रो स्टेशन. चलो यार, मैं पहली दफ़ा अल हुबैबा की तरफ आया हूँ और इट्स रियली ब्यूटीफुल. मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी डिफरेंट बना हुआ है, वैसे नहीं बना हुआ जैसे बाकी बने हुए हैं, और यहाँ पर बड़ा अच्छा पार्क भी है, लोग रिलैक्स कर रहे हैं. नाइस यार, ये चक्कर है. मुझे जाना है क्रीक की तरफ, तो आई हैव टू गो टू प्लेटफॉर्म 2. चलो भाई, ये बड़ा प्यारा मेट्रो स्टेशन है. नाइस. चलो भाई, हम लोग वापस पहुंच चुके हैं और 1 घंटा है इफ्तारी में. बट बिफोर वी गो अप, मुझे याद आया इफ्तारी के लिए मुझे लेना था शवरमा, तो अभी शवरमा लेने चलते हैं. तो भाई, जिस रेस्टोरेंट से मैं शवरमा ले रहा हूँ उसका नाम है टूरिस्ट हब रेस्टोरेंट एंड कैफ़े. उस दिन मैंने यहाँ से शवरमा खाया था और ओए क्या कमाल शवरमा था. और एक शवरमा है भी सिर्फ 6 दिरहम्स का. नाइस. चलो भाई, शवरमा ले लिए हैं, अब चलते हैं वापस. और असर की नमाज भी पढ़नी है, वो भी नहीं पढ़ी, तो लेट्स गो. चलो भाई, मैं वापस आ चुका हूँ और सीन ये है कि मैंने कल वाला व्लॉग भी एडिट नहीं किया, वो भी एडिट करना है. अब सोच रहा हूँ अभी स्टार्ट कर लूँ इफ्तारी के बाद. इफ्तारी में अभी आधा घंटा है, तो आई गेस अभी स्टार्ट कर लेते हैं. बस मैंने एडिट स्टार्ट ही की थी और इफ्तार का टाइम हो गया है, बस 5 मिनट रहते हैं, तो पहले इफ्तार कर लेते हैं फिर एडिट करते हैं. तो भाई, इफ्तारी हो गई है, वीडियो भी एडिट करके अपलोड कर दी है, नमाज भी पढ़ ली. अब ये है कि क्या है, रात के 9 बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके थोड़ी चाय पी लूँ, चाय पीने के मूड में हो, और आई माइट गो फॉर कॉफ़ी, या वो टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी याद आ रही है मुझे. तो लेट मी सी इफ देयर इज अ टिम हॉर्टन्स नियर बाय, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं. तो भाई, हम कोई टिम हॉर्टन्स की 20 दिरहम वाली कॉफ़ी नहीं पीने जा रहे हैं, हम पीने जा रहे हैं 2 दिरहम वाली कड़क चाय. चलो आ जाओ. और वैसे भी 11 बज चुके हैं, मेट्रो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, तो अभी कहीं जाने का फ़ायदा नहीं है. तो आज मैं एक और जगह से चाय पी रहा हूँ,
वो जो कल पिया था ना मैंने नीचे, वहाँ से नहीं, ये एक और जगह है जहाँ मुझे पप्पा लेकर आते हैं। वो मुझे कहते हैं जब भी तुम यहाँ पर आके चाय पीना है तो बोलोगे मुझे डॉक्टर स्पेशल बना के दो, क्योंकि उनकी एक स्पेशल चाय होती है जो बहुत मज़ेदार होती है। तो अभी जाके उनको बोलते हैं मुझे डॉक्टर स्पेशल वाली चाय दो। द डॉक्टर स्पेशल हाउ मच? थैंक यू। तो ये होती है स्पेशल ज़ाफ़रानी चाय, और ओए हो इसका एक सिप हिट्स द स्पॉट, मज़ेदार चाय होती है, मज़ेदार। तो भाई मैं आ गया हूँ वापस चाय पी के और अपनी नाइट वॉक करके, तो आई गेस लेट्स कॉल इट अ नाइट, यहाँ पर व्लॉग एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।